फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी टारगेट में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के एलयू के फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट 2 के पार्ट 2 को। यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के 58 तक कवर कराने वाला हूँ। और सारे वीडियो इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वीडियो जल्दी अपलोड करें, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो कम से कम दो बार देखिए जिससे आपको पूरे पूरे क्वेश्चंस याद हो जाएं और आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाए। और सारे यहाँ पे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सब इंपॉर्टेंट हैं और चैप्टर वाइज हैं, तो इसको आप लोग बिल्कुल बेस्ट वे में पढ़िए। और अगर आपको क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो आप लोग नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, आप वहाँ पर मुझे ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अनुभवों का समय पर स्मरण करना ही स्मृति है, ठीक है। पूर्वानुभवों का समय पर स्मरण करना ही क्या बोलते हैं, स्मृति बोलते हैं इसको। पहले सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है, यह कथन किसका है? तो सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है, इसको बोला था वुडवर्थ ने। अचेतन मन में पहुंचे अनुभवों को चेतन मन पर लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं स्मृति। अचेतन मन में पहुंचे अनुभवों को चेतन मन पर लाने की प्रक्रिया को बोलते हैं स्मृति। स्मृति की प्रक्रिया का आवश्यक तत्व नहीं है, तो स्मृति की प्रक्रिया का देखिए अधिगम, धारणा, पुनरुत्पादन, ये सब आवश्यक है, उद्देश्य यहाँ पे कोई आवश्यक तत्व नहीं है। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान का वर्णन कितने सोपानों में किया है? तो हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान का वर्णन 4 सोपानों में किया हुआ है। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण की संरचना कितने प्रमुख पदों में वर्गीकृत किया है? 5 पदों में वर्गीकृत किया है और 4 सोपानों में वर्गीकृत किया है। इसको पंचपदी प्रणाली किसकी है? तो पंचपदी प्रणाली है हर्बर्ट की। मॉरिसन के शिक्षण प्रतिमान को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉरिसन ने बोध स्तर का शिक्षण प्रतिमान प्रतिपादित किया था। किस स्तर के शिक्षण में अंतर्दृष्टि को महत्व दिया जाता है? तो अंतर्दृष्टि को अवबोध स्तर के शिक्षण में महत्व दिया जाता है। चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रमुख तत्व नहीं है, चिंतन स्तर के शिक्षण का यहाँ पे देखिए चिंतन, तर्क और अंतर्दृष्टि ये सब प्रमुख तत्व हैं, वर्णन इसका प्रमुख तत्व नहीं है। शिक्षण की किस अवस्था में शिक्षक शिक्षण का नियोजन करता है? जो शिक्षक है वो शिक्षण का नियोजन करता है, किस अवस्था में करता है? शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था, शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था। शिक्षण की किस अवस्था में शिक्षक छात्र की अंतःक्रिया होती है? शिक्षण की किस अवस्था में शिक्षक छात्र की अंतःक्रिया होती है? ये होती है आपकी शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था, ठीक है। शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था, तो ध्यान रखिएगा इस अंतः से इस अंतः को याद रखिए। शिक्षक पढ़ाने के बाद छात्रों का मूल्यांकन किस अवस्था में करता है? तो अंतिम अवस्था में करता है, शिक्षण की अंतिम अवस्था में। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है, शिक्षण का जो सामान्य सिद्धांत होता है वो क्या होता है? स्वोद्देश्यता का सिद्धांत, स्वोद्देश्यता का सिद्धांत। करके सीखने के सिद्धांत को कहते हैं, तो करके सीखने के सिद्धांत को बोलते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। बालक की योग्यता एवं क्षमता के अनुसार पाठ्य विषय का चयन किस सिद्धांत में किया जाता है? तो बालक की योग्यता एवं क्षमता के अनुसार पाठ्य विषय का चयन के सिद्धांत में किया जाता है। शिक्षण सूत्र का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो शिक्षण सूत्र का प्रभाव शिक्षण पर ही पड़ेगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। शिक्षण सूत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे देख लीजिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसको बोलते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर। गेस्टालवाद पर आधारित सूत्र है, गेस्टालवाद पर आधारित सूत्र क्या है? पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विशिष्ट से अगर सामान्य की ओर जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं दृष्टांत से सिद्धांत की ओर। किसी विषय को पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना कि जीवन में प्रयुक्त होने वाली परिस्थितियों से संबंधित हो, जीवन में प्रयुक्त होने वाली परिस्थितियों से संबंधित हो, यह सिद्धांत किसने कहा था? यह सिद्धांत बोला था सहसंबद्धता का सिद्धांत, सहसंबद्धता का। पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? तो पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, इसको बोलते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। किस शताब्दी की वैज्ञानिक उपलब्धियों में दूरदर्शन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है? तो 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक उपलब्धियों में दूरदर्शन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है।
भारत में दूरदर्शन सेवा का औपचारिक रूप से उद्घाटन कब हुआ? तो दूरदर्शन का जो औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ था वो था 15 सितंबर 1959। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन सीसीटीवी, यानी क्लोज सर्किट टेलीविजन सीसीटीवी में सूचना को किसके माध्यम से प्राप्त करने वाले तक पहुंचाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, इसको याद रखिएगा, ये तो आपको पता भी होगा। समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक हैं, समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात। सुकरात। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? किल पैट्रिक। ये पहले भी आ चुका है, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं किल पैट्रिक। शिक्षण को व्याख्यान विधि का प्रयोग किन कार्यों हेतु लेना चाहिए? शिक्षण को व्याख्यान विधि का प्रयोग किन कार्यों हेतु लेना चाहिए? तो देखिए, उपर्युक्त सभी का ऑप्शन है, तो बिल्कुल यही सही है। संक्षिप्तीकरण हेतु, स्पष्ट करने हेतु, प्रेरणा प्रदान करने हेतु। प्रदर्शन विधि है, तो जो प्रदर्शन विधि है वो शिक्षक आधारित है, ध्यान रखिएगा, प्रदर्शन विधि शिक्षक आधारित है। समस्या समाधान में सम प्रत्यय का निर्माण तथा अधिगम का आविष्कार सम्मिलित है, इसको किसने बोला था? आशुगेल ने बोला। शिक्षा जगत में योजना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो शिक्षा जगत में योजना शब्द का सबसे पहले प्रयोग प्रोफेसर रिचर्ड्स ने किया था, प्रोफेसर रिचर्ड्स ने किया था। किल पैट्रिक ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ मेथड, फाउंडेशन ऑफ मेथड में योजना के कितने प्रकार बताए हैं? तो फाउंडेशन ऑफ मेथड में इन्होंने योजना के 4 प्रकार बताए हैं। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादन का श्रेय किसको है? एलेक्स एफ आसबर्न। एलेक्स एफ आसबर्न, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादन का श्रेय एलेक्स एफ आसबर्न को है, ठीक है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि से संबंधित अप्लाइड इमेजिनेशन रचना किसकी है? एलेक्स एफ आसबर्न। इन्हीं को याद रखिएगा, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के लिए ये उसी में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को 58 तक कवर करा दिया है। इसके बाद भी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब पीडीएफ अगर मैं प्रोवाइड कर दूंगा तो वहां पे आपको मिल सकता है, मे भी हो सकता है मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूं, फिर भी आप पीडीएफ प्रोवाइड करने के लिए यानी मोर क्वेश्चंस के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में मुझे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, लाइक कर दीजिए और एक थैंक्स का कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, थैंक्स।